है दोस्तों, आप सभी देख सकते हो तस्वीरें। और मैं आ चुका हूँ ऊपर इसके प्लेटफार्म के, तस्वीरें देख सकते हो। ये है कुछ नज़ारा यहाँ का। और ये दोहाई स्टेशन है जो बनाया जा रहा है, ये दोहाई का स्टेशन है दोस्तों, ये देखो। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज है न्यू ईयर, तो आप सभी को केपी संत की तरफ से न्यू ईयर की शुभकामनाएं, ढेर सारी दिन दुगना रात चौगुनी हो आपके जीवन में दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के बीच में नई वीडियो, नया दिन, नया साल है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों ये रैपिड रेल के बायोडक्ट को, जो ऊपर का हिस्सा है। अब तक आप लोगों ने नीचे का देखा था, अब आप ऊपर देखने के लिए मिलेगा आप सभी को। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा आप सभी के लिए। इतनी मेहनत करने के बाद मैं पहली बार वीडियो आ रहा है इस बायोडक्ट के, तो देख सकते हो अभी क्या वर्क चल रहा है, कितनी टीम यहाँ पर लगी हुई है, हर वर्क चल रहा है। तो आपको बता दूं कि 90% काम कंप्लीट हो चुका है, 10% बचा हुआ है फिनिशिंग का। और इसको आपको बता दूं, देखो साइडों में जो इसके, आपको बता दूं ये ट्रैक स्लैब है ना, वो बनाए जा रहे हैं और इस पर पटरियाँ बिछाई जा रही हैं। किस तरीके से काटी जा रही हैं पटरियाँ वो आप सब लोग इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत अच्छा वीडियो है आप लोगों के बीच में, पहली बार इतनी मेहनत करने के बाद मैं लेकर आ पाया हूँ दोस्तों। और अब आते रहेंगे आप लोगों के बीच में, हर स्टेशन का वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप ना देर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हो कि इस पटरी को किस तरीके से ये काटा जा रहा है, किस तरीके की मशीनें हैं और इसे काट के फिर इसको जोड़ दिया जाएगा। देख सकते हो ये मशीन काट रही है इस पटरी को और फिर इसको जोड़ा जाएगा। तो ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इस वजह से इसको जोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर टीम लगी हुई है, हर वर्क को कर रही है। आपको बता दूं कि साइड में ये लेफ्ट हैंड के साइड में इसको ये लाइन बिछाई जा रही है, तार देख सकते हो, वो बाउंड्री कर दी गई है इन्होंने। तो अभी बहुत सारा वर्क चल रहा है। आपको बता दूँ कि ओवरहेड वायरिंग का भी काम चल रहा है ऊपर, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और जो जगह है दोस्तों ये है दोहाई का स्टेशन, जहाँ से डिपो के लिए अंदर जाएंगे तो उसी के दोहाई स्टेशन के बीच में, और जहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे कहाँ, दोहाई डिपो के अंदर, उसी का नज़ारा तो देख सकते हो। मैं ऊपर जा रहा हूँ इस मशीन द्वारा, जो क्रेन मशीन है उसके द्वारा ऊपर जा रहा हूँ, तस्वीरें देख सकते हो। और अभी पिलर भी दिखाऊँगा कि पिलर को कैसे, ये इसके गाटर को कैसे उठाया जाता है, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो बने रहो, मैं काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के बीच में ये वीडियो बनाकर ला पाया हूँ दोस्तों। देख सकते हो दोनों साइड का कि ये मशीन उठा रही है मुझे ऊपर और मैं चल रहा हूँ इसके ऊपर, फिर आप लोगों को दिखाते हैं चल के। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, और केपी संत लाता रहता, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना वीडियो। देख सकते हो, ये देख सकते हो, इसके द्वारा इसको गाटर को उठाया जाता है। तो आपको पता ही है ये क्या है, देखो इसमें ये प्रेशर लगाया जाता है और फिर ये उठता चला जाता है ऊपर की साइड में, और इसमें भरा रहता है क्या, मोबिलेल, इसमें मोबिलेल भरा रहता है दोस्तों। और मोबिलेल भरने के बाद में जब इस पर प्रेशर पड़ता है ना तो ये ऊपर उठाता चला जाता है इस गाटर को, भारी भरकम गाटर को दोस्तों। देख सकते हो ये टीम लगी हुई है, वर्क कर रही है, और ये प्रेशर मशीन का पाइप है दोस्तों, नीचे से ही प्रेशर डाला जाता है, फिर इसको अब ये निकाले जा रहे हैं दोस्तों, ये निकाल रहे हैं इसके नीचे से, क्योंकि उठा दिया गया, उठा के फिर इसको ज्वाइंट कर देते हैं। देख सकते हो ये मोबिलेल निकाल रहे हैं, मोबिलेल निकल जाने के बाद में, और देख सकते हो दोस्तों, और अब हम इसके अंदर आ चुके हैं बायोडक्ट के अंदर। तो बायोडक्ट के अंदर काफ़ी जगह होती है, ऐसी बात नहीं है, देख सकते हो अपनी आँखों से, अपनी नज़रों से देखो दोस्तों। देखो ये पूरा बायोडक्ट है, इसके अंदर रूम है और ये पिलर है, और यहाँ से आप दूसरे बायोडक्ट के अंदर चलेंगे। तो देख लो तस्वीरें, यहाँ पर कूड़ा कबाड़ा ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये
जो टीम खाना पीना पिन्नी इन्नी ऊपर ही अपना खाते पीते रहे, तो वो ही पिन्नी इन्नी पड़ी हुई है इसके अंदर। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, अब इसकी साफ़ सफाई तो होनी है नहीं, अब तो ऐसे ही बना रहेगा दोस्तों। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, वो केपी संत लाता रहता है और पहला वीडियो ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर पहली बार, जो ऊपर का बायोडक्ट के ऊपर की कैसे पटरियां बिछाई गई हैं, किस तरीके से ट्रैक स्लैब बिछाए जाते हैं, किस तरीके से ओवरहेड वायरिंग का काम किया जा रहा है, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों, मेरी यही गुजारिश है आप सभी से। देख सकते हो बायोडक्ट के अंदर आराम से आदमी इसमें सो सकता है, रह सकता है, इतनी जगह है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। और कूड़ा कबाड़ा कुछ ज़्यादा ही पड़ा हुआ है, देख सकते हो ये साइडों में ना, ये देखो इन्होंने ये स्टैंड लगा दिया, अब इन पर ये पाइपलाइनिंग, ये जो इसके इलेक्ट्रिसिटी के जो क्या जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसको यहाँ पर रखा जाएगा साइडों में। देख सकते हो ये ट्रैक स्लैब बिछा दिया, अब इसके बीच में ये जो छेद चमक रहे हैं इनमें कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा। और कॉन्क्रीट कैसा भरा जाता है देखो, वो मशीन लगी हुई है, वो नीचे खड़ी हुई है ज़मीन में, और ऊपर ये पाइप है इसको भी ये भरा जा रहा। अभी यहाँ पर भी ये ट्रैक स्लैब डाले जाएंगे, देख सकते हो पटरियाँ डाल दी हैं, और पटरियाँ डालने के बाद में फिर इस पर अब ट्रैक स्लैब बिछाया जाएगा। वो किस तरीके से बिछाया जा रहा है देख लो आप लोग अपनी आँखों से, कि किस तरीके से ट्रैक स्लैब को बिछाया जाता है वो आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे दोस्तों। पहले तो आपको बता दूं सरियाओं का जाल बनाते उतना ही बड़ा, जितना बड़ा ट्रैक स्लैब होता है उतना ही बड़ा सरियाओं का जाल बिछा कर फिर उस पर ट्रैक स्लैब रखा जाता है। स्लैब रखने के बाद में फिर इसमें कंक्रीट भर दिया जाता है तो ये मजबूती के साथ में पकड़ लेता है दोस्तों। देख सकते हो ये जाला सा बना दिया इन्होंने सरियाओं का, ये जाल बना के ये बीच में देखो ये उठ रहे हैं, ये ट्रैक स्लैब के जो बीच की जगह है उसमें ये फंस जाएगा, फिर इसमें कंक्रीटिंग कर दी जाएगी, भर दिया जाएगा। जैसे ये मशीन भर रही है कंक्रीट फिर ये बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। तो अभी और आप लोग आगे देख लो, आगे देखने के लिए मिलेगा। तो यही दोनों साइड में वर्क चल रहा है, इसमें 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। एक साइड की पटरी बिछ चुकी है तो उस पर अभी ट्रायल रन स्टार्ट हो चुका है रैपिड रेल का दोस्तों। देखो ये छेद चमक रहे हैं ना, यही भरे जा रहे हैं, इनमें ही कंक्रीट भरा जा रहा है दोस्तों। देखो ये बचे हुए हैं ना, और देखो इधर ये भर दिया इन्होंने, देखो ये वाइट वाइट से चमक रहे हैं, इनमें ये भर दिया है कंक्रीट। तो इसी तरीके से ये भरा जाता है ऊपर की साइड से, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इस पर साइडों में ये ट्रैक स्लैब ये ट्रैक बिछाया जाएगा दोस्तों। तो अभी देख सकते हो कितना कुछ वर्क चल रहा है, टीमी आपको नज़र आएगी यहाँ पर इस RRTS के ऊपर दोस्तों, देख सकते देखो आप लोग तस्वीरें। और वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो मेरे देशवासियों, कंटिन्यू। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, इतनी मेहनत करनी पड़ी है मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों कि क्या ही बताएं। तो इसी वजह से आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जितनी हो सके उतनी शेयर करो। और देखो ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में कोई ज़्यादा नहीं दे पाता जो मैं लेकर आया हूँ। और आपको दिखाएंगे कि देखो ये जो सामने ट्रक खड़ा हुआ है उस पर चढ़ के, और ये ओवरहेड वायरिंग का काम किया जा रहा है, वो किस तरीके से किया जाता है चलो मैं उसके पास ही लेकर चल रहा हूँ आप सभी को, फिर देखना आप सब कि किस तरीके से करते हैं। तो देख सकते हो ये फिनिशिंग का ही काम चल रहा है, बाकी तो इस पर काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और इस पर अब ट्रायल रन स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे चल भी रही हैं, और इस पर एकदम और हो जाएगा। तो अभी इस पर ओवरहेड वायरिंग का काम चल रहा है, तो ओवरहेड वायरिंग का काम होने के बाद में फिर इसको ओपन कर दिया जाएगा। तो अभी ट्रायल रन चलेगा, फिर मार्च में इस पर आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा 17 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को।
देख सकते हो, मैं उसके ट्रक के साथ ही जा रहा हूँ। अब आपको बता दूँ, देखो ये ओवर हेड वायरिंग का काम किया जा रहा है इस ट्रक द्वारा। इस ट्रक में बैठ जाते, ये उठ जाता, ये लिफ्ट वाला है दोस्तों। और आपको बता दूँ, देखो ये ट्रैक से बिछाने का, और इस पर ये साइडों में इस पर ये सारा ही काम चल रहा है अभी। तो 10% काम अभी बाकी बचा हुआ है, 90% काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो। अब इस पर ये ज़मीन पर जाएगा तो इस पर ट्रक बन जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये इस पर पटरियों के द्वारा चलाया जाएगा। तो इसमें दोनों तरह के इसमें वो लगे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी।